नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अश्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं, लास्ट चार पांच वीडियो से, उसमें डिफरेंट ग्रहों के कारकत्व, डिफरेंट ग्रहों से क्या बीमारियां देखी जाती हैं, उनसे क्या प्रोफेशन देखते हैं, वो किन चीज़ों के कारक हैं, क्या हैं वो, क्या क्वालिटी हैं उनकी, उनके मजबूत होने से या उनके निर्बल होने से क्या फर्क पड़ता है, वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम के अंदर हम लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, चार ग्रहों के बारे में कर चुके हैं। आज पांचवा ग्रह है बृहस्पति। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं बृहस्पति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो बृहस्पति के बारे में शास्त्रों में लिखा है और जो इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में ये बताया गया है कि इसको पूरा जो नक्षत्र मंडल है, कंप्लीट नक्षत्र मंडल है, उसको 12 वर्ष में एक चक्रीय लगाता है, कंप्लीट नक्षत्र मंडल। इसको गुरु नाम से ही बोलते हैं, देवगुरु नाम से बोलते हैं, जीव के नाम से भी इसको बोला जाता है बृहस्पति को। और इनका उपयोग, इनके नाम का उपयोग ऋग्वेद में बहुत बार प्रकट हुआ है। बृहस्पति नाम से ऋग्वेद के अंदर कई बार नाम इनका आया है, बृहस्पति नाम आया है। और अथर्ववेद में भी, यजुर्वेद में भी इनका नाम आया है अनेक बार बृहस्पति के नाम से। और अनेक स्थानों पर तो बृहस्पति को परमात्मा बोला गया है, वेदों के अंदर परमात्मा बोला गया है। लेकिन अनेक स्थानों में उसका बृहस्पति ग्रह के रूप में भी वर्णित है। कई जगह उनको परमात्मा बोला गया है, तो कई जगह उनको बृहस्पति ग्रह बोला गया है वेदों के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पुराना, कैसे हम लोगों का जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में तक इनका वर्णन है बृहस्पति ग्रह का। कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं ये, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को रखनी है, जो पूरे नक्षत्र मंडल का चक्कर एक साल में, यानी 12 महीने में करीब लगाते हैं। इनकी क्वालिटीज क्या है, ये स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल होता है, मतलब ऐसा कोई ऐसा आदमी जिसका बृहस्पति अच्छा हो, स्पिरिचुअल रहता है, फिलोसफिकल रहता है, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, चीजों को बढ़ाने वाले हैं, चीजों को घटाने वाले नहीं है। आपकी जो भी सुख है, आपका शुभ फल है, उनको बढ़ाने के लिए इनकी दृष्टि जो है वो सब चीजों को बढ़ाने का कार्य करती है। स्पिरिचुअलिटी देते हैं, विजडम देते हैं, विजडम मीन्स ज्ञान देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं। और आइडियलिस्टिक प्लैनेट है, एक बहुत ही आदर्शवादी प्लैनेट है। जिनका बृहस्पति अच्छा हो वो बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, सुखी होते हैं, ऐसे केस में वो रहना चाहिए। वैदिक शांति मंत्र भी इनका दिया हुआ है। अगर बृहस्पति कुंडली में आपका अच्छा ना हो, बृहस्पति कुंडली में ठीक ना हो, तो उसके लिए यजुर्वेद में एक मंत्र कहा गया है। वैसे तो ओम रम बृहस्पते नमः भी करते हैं, वैदिक मंत्र बोलते हैं, लेकिन जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ ये यजुर्वेद के मंत्र हैं, जो वेदों में हमारे दिए गए हैं। उसमें मंत्र दिया गया है ओम बृहस्पते अति यदर्यो अर्हा दुमद विभाति कृतमज्जनेशु यदीद यक्ष वस ऋत प्रजात तत्स्मासु द्रविणम देहि चित्रम। ये यजुर्वेद के अंदर मंत्र है। इसका उच्चारण करने से, इसका इसको रिसाइट अगर करे आदमी, तो बृहस्पति से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी शांत हो जाती हैं और बृहस्पति ग्रह उनके लिए एक अच्छे ग्रह के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। बृहस्पति ग्रह के लिए आर्टिकल ऑफ डोनेशन के बारे में बोला गया है कि क्या क्या चीजें आप दान कर सकते हैं। तो उसमें सोना भी है, टोपास भी है, ग्राम दाल आप दे सकते हैं, साल्ट है, टर्मरिक है, हल्दी दे सकते हैं, ब्राउन शुगर है, या येलो क्लोथ वगैरह जो होते हैं, या लड्डूज वगैरह होते हैं, वो सब चीजें आप बृहस्पति के लिए दान कर सकते हैं। बृहस्पति से हम लोग डिफरेंट प्रोफेशन को भी देखते हैं। अगर आजीविका निर्णय के अनुसार, आजीविका निर्णय जो हम निकालते हैं कि कौन से ग्रह के अनुसार उसकी आजीविका होनी चाहिए, एक बार वो निकाल लिया तो उसके बाद हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अगर आजीविका निर्णय के थ्रू ग्रह निकला है बृहस्पति, तो बृहस्पति के अनुसार कौन कौन से जॉब हो सकते हैं, जिन जॉब्स में जाएं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी अगर बृहस्पति आपका आजीविका निर्णय वाला ग्रह बन जाता है। तो ये जितनी भी रेस्पेक्टेबल पोजीशंस होती हैं उन सबका वो प्रोफेशन भी ये बृहस्पति के अंडर में आते हैं। MBA, मैनेजमेंट साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारे बृहस्पति के अंडर में आते हैं। वेदास, पुरानी जितनी नॉलेज है, एंशियंट नॉलेज जितनी है, प्राचीन नॉलेज है, वो सारी चीजें, काउंसलर वगैरह जो होते हैं लोग, वो भी बृहस्पति के अंडर में आते हैं। संस्कृत लिटरेचर वगैरह बृहस्पति के अंडर में आते हैं, इनको पढ़ना, इनका के ऊपर लिखना, ऐसे काम भी बृहस्पति के अंडर में आते हैं। इनकम टैक्स का काम भी बृहस्पति के अंडर में आता है, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं आप, इनकम टैक्स बन जाते हैं, तो बृहस्पति आपका अच्छा हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। लायर भी आपके लिए, गुरु बहुत मायने रखता है उसके लिए, बृहस्पति मायने रखता है। लायर का प्रोफेशन भी बृहस्पति ही दिखाता है, प्रोफेसर का प्रोफेशन ये बृहस्पति दिखाता है, ट्रेजरर
का प्रोफेशन भी बृहस्पति दिखाता है, टीचर्स हैं, प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, या ज्योतिष हैं, या शेयर मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं, उनका प्रोफेशन भी बृहस्पति दिखाता है। तो बृहस्पति अगर आपका अच्छा हो कुंडली में, या आपका आजीविका निर्णय के अनुसार आपका ये ग्रह निकला हो, तो इस तरह के प्रोफेशन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बृहस्पति कुछ प्रॉब्लम्स भी देता है, कुछ बीमारियां भी देता है। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर डायबिटिक की प्रॉब्लम बृहस्पति की वजह से होती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, कफ की प्रॉब्लम रहती है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम रहती है, बॉडी पेन रहता है, मेंटल अपसेट हो जाता है, गैस की ट्रबल रहती है, हार्निया रहता है, ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो, तो इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस भी होते हैं जो बृहस्पति रिलेटेड बीमारियां। इसके अलावा बृहस्पति अब किन वस्तुओं का कारक है, किन चीजों का कारक है, मतलब जब उनके बारे में कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो किसको ग्रह को देखना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ज्ञान के बारे में कोई प्रश्न आए, ज्योतिष के बारे में कोई प्रश्न आए, या धन के बारे में कोई प्रश्न आए, संतान के बारे में कोई प्रश्न आए, तो आपको बृहस्पति ग्रह देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति ही इनके कारक है। मोटापे के बारे में प्रश्न हो, मंत्री के बारे में प्रश्न हो, या रतन व्यापारी के बारे में प्रश्न हो, पति के बारे में हो, क्योंकि पति का कारक ग्रह है बृहस्पति, लेडीज की कुंडली में पति का कारक बृहस्पति होता है। लीवर के बारे में कोई प्रश्न हो, आपका दान धर्म के बारे में हो, तीर्थ स्थान के बारे में कोई आपका प्रश्न हो, तो उसके लिए भी बृहस्पति ही आपको बताता है। दूसरों के विचारों को भापने की कला ऐसे लोगों में बहुत हो जाती है जिनका बृहस्पति अच्छा होता है। जोड़ा हुआ धन, पुरोहित, यानी जो मैंने आपको पीछे बताया कि पुरोहित बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। बड़े भाई का कारक भी बृहस्पति है, अगर बड़े भाई का कुछ आपको देखना है तो आप बृहस्पति को लेके देख सकते हैं। तो बड़े भाई की पत्रिका ही देखना चाहते हैं आप, तो आप गुरु का लगन बना के भी पत्रिका देख सकते हैं, बड़े भाई की पत्रिका भी उसको मान सकते हैं आप। बड़े भाई का पत्रिका के लिए गुरु से तीसरा को लगन बनाइए और पत्रिका देख लीजिए। संतान के लिए देखनी है तो गुरु से पांचवें को लगन बनाइए, पत्रिका देख लीजिए। तो जितने भी ग्रंथ का पठन पाठन करने वाले हैं, वेदों का पठन पाठन करने वाले लोग हैं, वो सारे उनकी बात चले तो वो भी बृहस्पति से देखे जाते हैं। फलदार वृक्ष जो हैं वो भी बृहस्पति से ही देखे जाते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होती है वृक्षों की, फलदार वृक्षों की। अगर बृहस्पति खराब हो या ऐसी कोई दिक्कत हो कुंडली के अंदर, तो किसी फलदार वृक्ष की स्थापना करें तो उससे बृहस्पति की शांति होती है, इसलिए इन चीजों का वर्णन उसके अंदर किया गया है। पुत्र का, पुत्र के बारे में जानना हो, संतान के बारे में, पुत्र तो शास्त्रों में पहले लिखा हुआ था लेकिन आज की डेट में तो संतान है, पुत्र या पुत्री है, दोनों एक ही बात है। तो पुत्र या पुत्री के बारे में जानना हो तो भी बृहस्पति को ही हमें जानना पड़ेगा, वो भी बृहस्पति ही हमको बताएगा। पुरस्कार के बारे में, जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी बृहस्पति ही हमको बताता है। बृहस्पति जब जन्म कुंडली में बलि होता है तो धन संपदा मिलती है, स्मृति मिलती है, सफलता मिलती है, अच्छे आदर्श बनते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सम्मान और ख्याति मिलती है, बड़ों के प्रति सम्मान रहता है आपके मन में, अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य रहता है आपका, आशावादी रहते हैं आप, न्यायप्रिय रहते हैं, आध्यात्मिकता आपके अंदर होती है, उदार स्वभाव होता है आपका, आपको संतानों से प्रसन्नता मिलती है, आपकी संतान से जो भी है प्रसन्नता मिलेगी अगर बृहस्पति आपको कुंडली में पड़ी हो। लेकिन अगर बृहस्पति आपको कुंडली में पीड़ित हो, पाप ग्रहों से ध्रष्ट हो, पाप या पाप पत्री में हो, तो उस केस में प्रत्येक कार्य में बदनामी मिल जाती है, गलत निर्णय आपसे हो जाते हैं, संघर्ष रहता है, मुकदमों में हार हो जाती है, अधिकारियों से कष्ट हो जाता है, रोग हो जाता है, इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं यदि बृहस्पति कुंडली में अच्छा ना हो। तो बृहस्पति कुंडली में अच्छा करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए यजुर्वेद का मंत्र है, आप उस मंत्र का उच्चारण कीजिए और बृहस्पति आपका अच्छा होगा और आपको सफल और सुफल देगा। तो ये था बृहस्पति के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, आशा करता हूँ वो पसंद आया हो। इसके अलावा हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अष्टक वर्ग का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप में जो भी इंटरेस्टेड हो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।